ही विल कम, लिखना एक बार, बिफोर ही विल कम आई विल इन्फॉर्म यू। गौर से सेंटेंस को देखो और क्या गलती है इसमें, क्या एरर है, उसको निकालने की कोशिश करो। यहां लिख दिया मैंने बिफोर ही विल कम आई विल इन्फॉर्म यू, यानी वो आएगा उसके पहले मैं आपको सूचना दे दूंगा। यहां पर गौर से आपको देखना चाहिए कि आई विल इन्फॉर्म दूंगा, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये इस सेंटेंस का मेन क्लोज है। और ये जो कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, बिफोर से शुरू हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि बिफोर एक प्रीपोजिशन है और बिफोर एक कंजंक्शन भी है। बिफोर एक प्रीपोजिशन है, बिफोर एक कंजंक्शन भी है। यहां पर बिफोर शब्द का प्रयोग मैंने कंजंक्शन के रूप में किया है और आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्ट कंजंक्शन से शुरू होता है, कौन से कंजंक्शन से है, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से। जो पार्ट सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है वह पार्ट हमेशा सबॉर्डिनेट क्लोज कहलाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस वाले पार्ट में विल का प्रयोग कभी हो ही नहीं सकता, इस वाले पार्ट में विल का प्रयोग नहीं हो सकता। हिंदी में अपन कहते हैं कि जब वो आएगा तो मैं आपको सूचना दे दूंगा, या उसके आने से पहले मैं आपको सूचना दे दूंगा। परंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता, अंग्रेजी में ऐसा होता है कि उसके आने से पहले मैं आपको सूचना दे दूंगा। हिंदी अनुवाद तो आप इसका इसी रूप में कर रहे हैं, परंतु इसका अंग्रेजी अनुवाद ये होगा कि बिफोर ही कम, और कम तो आ नहीं सकता क्योंकि मुझे इसका बनाना है कौन सा टेंस, कम लिख दिया मैंने, कम का मतलब फर्स्ट फॉर्म, और ये टेंस तो एक ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, परंतु ही तो एक वचन है और एक वचन के साथ में कम नहीं आ सकता, उसमें ऐसे ही एस जोड़ना जरूरी होगा। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, बिफोर ही कम्स, यहां एस जोड़ेंगे आप और आपका वाक्य शुद्ध हो गया। बिफोर ही कम्स आई विल इन्फॉर्म यू, यानी उसके आने से पहले मैं आप